फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। पाकिस्तान और तालिबान शासित अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद खत्म होने के जगह लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां तालिबान सीमा पर पाकिस्तानी सेना के कटीले तारों से बने बाड़ को उखाड़ रहा है, उन पर ट्रक चला दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सीमा पर तार लगाने का काम लगातार जारी रखने की कोशिश में जुटा हुआ है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तकार ने जो कहा है उससे तालिबान भड़क सकता है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अफगान सीमा पर कटीले तारों का बाड़ लगाने की योजना के मुताबिक काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि सीमा पर बाड़ लगाने में हमारे शहीदों का खून बहा है और यह काम नहीं रुकेगा। मेजर जनरल इफ्तिकार ने माना है कि पश्चिमी बॉर्डर पर जो है पाकिस्तान की सुरक्षा की स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। उन्होंने यह भी कहा है कि सीमा विवाद को लेकर अफगानिस्तान से कई स्तर पर बातचीत चल रही है और मेजर जनरल ने यह भी जानकारी दी कि पाक अफगानिस्तान से लगी सीमा पर बाड़ लगाने का काम कुछ दिनों के अंदर पूरा कर लेने की योजना बनाई गई है। उनका कहना है कि पाक अफगानिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने का काम तकरीबन 94% पूरा हो गया है और वो पूरी तरह से फोकस्ड है। वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत जो बाड़ लगाने का काम चल रहा है वो कुछ ही समय में पूरा कर लिया जाएगा, ये उनका दावा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है वो समय के साथ और भी ज़्यादा मजबूत किया जाएगा आने वाले दिनों में। मेजर जनरल का कहना है कि इस बाढ़ को खड़ा करने में हमारे शहीदों का खून बहा है, ये शांति की बाढ़ है, इसे पूरा किया जाएगा और ये हमेशा यूं ही रहेगा। यानी कि तालिबान को साफ तौर पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से चुनौती मिल रही है। सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उनका कहना है कि फ्रंटियर कॉप्स जो है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा के 67 नए विंग 2021 में स्थापित किए गए थे। 6 और विंग जो है वो स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जब उनसे कई और सवाल हुए, उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान सरकार ने बाड़ उखाड़े जाने को लेकर अफगानिस्तान से अपना कोई विरोध भी जताया, तालिबान के सामने कोई विरोध भी दर्ज किया, तो उस पर उनका जवाब है कि वेस्टर्न बॉर्डर जो मैनेजमेंट है वही इसे संभाल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो कन्नी काटते दिख रहे हैं। उनका यह कहना है कि तालिबान के सैनिकों द्वारा जो बाड़ उखाड़े जाने की जो घटना थी वो स्थानीय समस्या है, उसे सरकार के तौर पर ना देखा जाए। उनका कहना है कि दोनों देश की जो सरकारें हैं इस मुद्दे को लेकर बातचीत जो है वो कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और एक दूसरे को हम समझते हैं, यानी कि पाकिस्तान तालिबान को समझता है और तालिबान पाकिस्तान को समझता है। और उनका कहना है कि ये अलग अलग मुद्दों पर जो है वो बात करते रहते हैं, जो बात सामने आते रहती है उसको हम समस्या के तौर पर नहीं लेते हैं, उसे सुलझाने का काम करते हैं। और उन्होंने फिर से वो दावा किया कि बाड़ लगाने का जो काम है वो चल रहा है और वो जारी रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। बता दें कि पिछले साल दिसंबर के महीने से ही सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल हुए जिसमें यह दिखा कि तालिबानी जो हैं वो पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा लगाए गए बाड़ जो हैं वो उखाड़ रहे हैं। तालिबानियों ने पाकिस्तानी सेना के बाड़ लगाने के सामान को जब्त कर लिया था कई जगह, तो उस पर ट्रक तक उन्होंने चढ़ा दिया और उस बाड़ेबंदी को तोड़ दी। तालिबान के जो खुफिया विभाग के अधिकारी हैं उनका कहना है कि सुरक्षा चौकियों पर जो तैनात पाकिस्तानी सैनिक हैं उनको चेतावनी दी गई थी कि वो दोबारा सीमा पर बाड़ ना लगाए। तालिबान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ये गैर कानूनी है। तालिबान कहता रहा है कि वो इस सीमा को नहीं मानता, यानी कि हम बात कर रहे हैं डुरंड लाइन की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है वो 2640 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान इस सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रहा है। सीमा की निगरानी के लिए बड़ी संख्या में चौकियां भी बनाई गई हैं। वहीं अफगानिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने का विरोध करता आया है, इसके तालिबान के आने से पहले भी, और तालिबान के आने के बाद से ये विरोध और मुखर हो गया है। तालिबान का कहना है कि जब तक डुरंड रेखा पर सीमा विवाद नहीं सुलझ जाता है तब तक किसी तरह की बाड़ लगाना जो है वो जायज नहीं है और वो उसको मंजूरी नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर जो डुरंड लाइन का झगड़ा है पाकिस्तान और तालिबान के बीच, ये झगड़ा बड़ा होता चला जा रहा है और आने वाले दिनों में इसको लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं बड़ा होगा, क्योंकि ये जो काम है वो लगातार पाकिस्तानी सैनिक करने की कोशिश करेंगे और बदले में जो तालिबानी है वो गोली की भाषा जानते हैं, वो गोली चलाएंगे, घटना होगी, हिंसा होगी और ये विवाद बड़ा हो जाएगा। तो अपडेट आपको मिलेगा भारत तक पर ही। देखते रहिए भारत तक।